मेरी कोशिश ये है कि कराची के अंदर जितने भी एहसास के सेंटर्स हैं सबका दौरा करूं, और साथ साथ ये कोशिश भी है कि जितनी ट्रेड और इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी मुलाकातें करूं, ताकि सारे लोगों के जो मसाइल हैं और उनके आइडियाज़ हैं कि इससे कैसे अगर एड्रेस किया जाए, उन सारों की समरी बना के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे मैं इधर आया था, तो मैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके दे सकूं कि कराची का इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट या आम आदमी या जो इंडस्ट्री में लेबर काम करती है या जो वाइट कॉलर है या ब्लू कॉलर है जो भी है, उसकी ज़िंदगी पर इस वक्त क्या असर पड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए, एड्रेस कैसे कर सकते हैं। कौमी यकजहती की अगर बात हो रही है तो कौमी यकजहती के लिए सबसे पहले तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमेटी को चेयर करते हैं जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इससे पड़ रहा है, और जिसमें चारों वज़ीर आला भी बैठते हैं, NDMA के नुमाइंदे भी बैठते हैं, फ़ौज की नुमाइंदगी भी होती है, और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग उन सबको दावत दी जाती है कि वो अपने 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 पॉइंट सामने रख लें, डिस्कशन करके फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इसे कहते हैं, मशावरत के साथ फैसला हो। 144 अरब इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम में दिया है, 1,20,00,000 खानदानों को पैसे मिल रहे हैं, कल रात तक मेरे ख्याल में कितने 35 लाख कितने लोगों को मिल गए, 36 लाख लोगों को मिल गए, कुछ कितने करोड़ 44 अरब मेरे पास है डेटा 44 अरब ना, और बढ़ते जाएंगे। अब ये हुकूमत ही कर सकती है ना, हुकूमत प्राइवेट एंटरप्राइज को मिला के करती है। अब अगर हबीब बैंक हेल्प ना करे तो इतना बड़ा बैंक इदारा कौन सा है जो ये कर सकता है। अच्छा, हबीब बैंक ने अपने एम्प्लॉयज भी खड़े किए हुए हैं, लेकिन उनको भी आउटसोर्स करने पड़ते हैं, तो वो आउटसोर्स करते हैं रिटेलर्स को जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैनेज कोई और कर रहा है, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। सो इस तरह सोच के फैसले करने होंगे।